वेलकम टू HPG के स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो का अपडेट, लोक सेवा आयोग ने 6 पोस्ट कोड में विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी है। इनमें आपके 6 पोस्ट कोड होंगे और इसमें 364 पद है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद नई नौकरियों का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए अब तैयारी करने का समय है। लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को 6 और पोस्ट कोड में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का पत्र भेजा है। इन 6 पोस्ट कोड में कुल 364 पद है। लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि आयोग 6 नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करना चाह रहा है। इसमें पोस्ट कोड 1072, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स सिविल सप्लाई पोस्ट कोड 1073, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट स्वास्थ्य विभाग पोस्ट कोड 1036, जूनियर ऑडिटर स्टेट ऑडिट विभाग पोस्ट कोड 1078, जेई इलेक्ट्रिकल बिजली बोर्ड धर्मशाला पोस्ट कोड 1025, आयुर्वेद फार्मासिस्ट आयुर्वेद विभाग और होमगार्ड के कंपनी कमांडर की भर्तियाँ शामिल है। ये पद सितंबर 2022 में इससे पहले हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापित किए थे और आवेदन भी लिए गए थे, लेकिन दिसंबर में आयोग के सस्पेंड होने के बाद ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। हालांकि इसी विज्ञापन में HRTC कंडक्टर के 360 पद भी थे, जिनकी भर्ती लोक सेवा आयोग ने पहले ही शुरू कर दी थी। इन 6 पोस्ट कोड में कुल 364 पद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 162 पद ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में है। इसके बाद आयोग को मिली रिक्विजिशन पर भर्तियां अगले चरण में होंगी। कंडक्टर के साथ कुल 79 पोस्ट कोड विज्ञापित किए गए थे। इनमें से अभी सिर्फ 7 ही एग्ज़ाम करवाने की प्रक्रिया में आए। हमारा दूसरा अपडेट, वेटरिनरी फार्मासिस्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है शुरू हो चुकी है। लोक सेवा आयोग को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट का लिमिटेड एक्सेस मिलने के बाद पुरानी भर्तियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो गई है। आयोग के अनुसार पोस्ट कोड 958 वेटरिनरी फार्मासिस्ट परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। यह विज्ञापन 24 मई 2022 का था और लिखित परीक्षा 16 अगस्त 2022 को हुई थी। 21 दिसंबर 2022 को निकले रिजल्ट में 539 परीक्षार्थियों को पास घोषित किया गया था। अब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 अगस्त से शुरू होगी और एक हफ्ते में पूरी हो जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन और डिस्पेंसर इत्यादि पोस्ट कोड का नंबर है। तो प्रदेश सरकार से लोक सेवा आयोग को इन 6 पोस्ट कोड का विज्ञापन करने की अनुमति मिलने के बाद इन पदों को जल्द ही भरा जाएगा। तो ये था हमारा आज का अपडेट। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।